पाकिस्तान एयरफोर्स एयरमैन टेस्ट प्रिपरेशन इंग्लिश सिनोनिम्स एमसीक्यूज मोस्ट रिपीटेड एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज। पाकिस्तान एयरफोर्स एयरमैन जीडीपी सीएई एंड फॉर एनी कम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए सब्सक्राइब करें एजुस्मार्ट द बेस्ट एजुकेशन प्लेटफॉर्म चैनल को। फर्स्ट ऑफ ऑल दुरूद पाक। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना व मौलाना मुहम्मदिन नबीयिल उम्मी व अला आलिही व सल्लम तस्लीमा। अस्सलामु अलैकुम, माय नेम इज मोहम्मद फैजान। एजुस्मार्ट द बेस्ट एजुकेशन प्लेटफॉर्म की तरफ से एक और नई वीडियो के साथ हाजिर हूँ। आज की इस वीडियो में हम इंशाल्लाह पाकिस्तान एयरफोर्स का एयरमैन टेस्ट प्रिपरेशन सीरीज में इंग्लिश के एंटोनियम्स पार्ट वन सिनोनिम्स, सॉरी एंटोनियम्स पिछली मरतबा थे, ये सिनोनिम्स का पार्ट वन है। एरोटेट, प्रोवोस्ट, जीसी, एमटीडी, जीडीपी, किसी भी आपने ब्रांच में अप्लाई किया तो ये वीडियो आपके लिए है और बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल है। ओके, और मैंने देखा है कि बहुत परसेंटेज कम है अभी ये जो वीडियो वॉच कर रहे हैं। अगर किसी इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है तो वो भी आप मुझे बता दें, ठीक है। और जिस टॉपिक पे आप वीडियो चाहते हैं वो भी आप मुझे बता दें। ये मैं अपने हिसाब से प्रिपरेशन करवा रहा हूँ और मुझे पता है कि मैं जिस हिसाब से प्रिपरेशन करवा रहा हूँ 18 जनवरी तक इंशाल्लाह आपका फुल कोर्स जो है ना आपको पता लग रहा होगा कि आपकी वाकई कोई ना कोई प्रिपरेशन है। मैं क्योंकि ऐसे तो करता नहीं कोई एमसीक्यूज इधर से कोई इधर से, बल्कि मैंने आपको टोटली इधर एमसीक्यूज बताए होते हैं जो आपने प्रिपरेशन करनी होती है, ठीक है, जिनकी। तो देखते हैं अभी वीडियो में जाने से पहले, अगर अभी तक आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो वो कर लें, क्योंकि आपको वीडियो की नोटिफिकेशंस जो भी मेरी न्यू आएगी वो तभी मिलेगी अगर आपने सब्सक्राइब किया होगा और जो साथ बेल आइकन होगा उसको ऑल पे प्रेस किया होगा। अगर नहीं किया होगा तो आपको मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन नहीं मिलनी। सो आप जल्दी से वो कर लें, ऑन कर लें बेल नोटिफिकेशन। ओके, सिनोनिम ऑफ इनकरेज। इनकरेज किसे कहते हैं? किसी को हौसला अफजाई देना, किसी का जज्बा बढ़ाना, इसको इनकरेज बोलते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं सिनोनिम्स होते क्या हैं। सिनोनिम्स होते हैं मसलन सेम मीनिंग। ऐसे भी ये क्वेश्चन आ सकता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इनकरेज, ठीक है, द मीनिंग ऑफ इनकरेज इज द सेम मीनिंग ऑफ इनकरेज इज, इस टाइप के भी क्वेश्चन आपको आ सकते हैं। मैंने सिर्फ सिंपली लिखे होते हैं ताकि आपको ज़्यादा लंबी अबारतें ना बने और आपको डिफिकल्टी ना हो, ठीक है। तो सिनोनिम ऑफ इनकरेज इज, इनकरेज कहते हैं हौसला अफजाई करना, किसी का हौसला बढ़ाना, किसी का जज्बा उबारना, ठीक है। तो इसी तरह का हमने ऑप्शंस में कोई और वर्ड ढूंढना होता है तो इसी तरह अपलिफ्ट, ठीक है, अपलिफ्ट, अपलिफ्ट का मतलब होता है बढ़ाना, किसी को ऊंचा मकाम देना, किसी को ऊंचा खड़ा करना, ठीक है। तो इनकरेज, अपलिफ्ट। ओके, नेक्स्ट सिनोनिम ऑफ डेकोरेशन इज, डेकोरेशन का सिनोनिम क्या है, सेम मीनिंग क्या है। डेकोरेशन मतलब क्या होता है? ये बड़ा डेकोरेशन पीस है, बड़ा डेकोरेशन पीस है, इसका मतलब होता है जितनी ज़्यादा जिस चीज़ की डेकोरेशन होती है उसकी मालियत भी उतनी ज़्यादा होती है। आपने देखा होगा CD70 यानी कि 70 मोटरसाइकिल है और एक साथ वो खड़ा है, क्या कहते हैं उसे, हैवी बाइक, ठीक है, HBR जिसे हम बोलते हैं, अगर वो साथ खड़ी है तो किसकी डेकोरेशन ज़्यादा होगी, HBR की, हैवी बाइक की। तो इसी तरह उसकी मालियत भी ज़्यादा है। तो डेकोरेशन का बेसिकली मतलब ये होता है मालियत, ठीक है, चीज़ कितनी सोनी लग रही है ये उसकी मालियत पे डिपेंड करती है। तो इसका जो सेम मीनिंग होगा वो भी होगा वेल्थ, ठीक है, वेल्थ। ओके, सिनोनिम ऑफ एडवाइस इज, एडवाइस का सिनोनिम क्या है। एडवाइस, नसीहत करना, ठीक है, तो इसका जो सिनोनिम होगा वो होगा गाइडेंस, रहनुमाई करना, ठीक है, गाइडेंस। ओके, नेक्स्ट सिनोनिम ऑफ क्विट, क्विट का सिनोनिम क्या है। अभी क्विट दो वर्ड होते हैं, एक क्विट वो है जिसका ई अंदर है, जैसे ये आपके सामने, एक क्विट वो है जिसका ई जो है वो अंदर नहीं होता बल्कि टी के आगे होता है, इन दोनों में फर्क है। ये क्विट का मतलब होता है खामोश और उस क्विट का मतलब होता है छोड़ देना, तर्क कर देना, किसी काम से रुक जाना, वो उस क्विट का मतलब है जिसका टी के आगे ई है।
लेकिन जो ये है इसमें ई जो है वो अंदर है, इसका मतलब होता है खामोश। तो इसका जो सिनोनिम होगा वो होगा साइलेंट। साइलेंट का मतलब ही खामोशी होता है ना। ओके, सेम मीनिंग हमने बताना होता है। सिनोनिम ऑफ प्रिवेंट, प्रिवेंट का क्या मतलब होता है? बचना, रुकना, तर्क कर देना। ओके, तो इसका जो सेम मीनिंग होगा वो क्या होगा? स्टॉप, रुक जाना, सिंपल है ना। ओके, आपने मीनिंग याद रखने हैं, ये मोस्ट रिपीटेड है। ये जो सिनोनिम मैं आपको बता रहा हूं ये आ चुके हैं। जी हाँ, सिनोनिम ऑफ कंक्लूड, कंक्लूड का क्या मतलब होता है? नतीजा, रिजल्ट, ठीक है, फिनिश, फिनिश का क्या मतलब होता है? एंड। तो कंक्लूजन जो है वो एंड पे ही निकलता ना, तो कंक्लूड का रिजल्ट हो गया, फिनिश हो गया, एंड हो गया, ये सारा कंक्लूड में ही आएगा। ओके, सिनोनिम ऑफ फर्म इज, अभी फर्म क्या होती है? एक होता है फर्म इरादा, ठीक है, मजबूत इरादा, उसको भी हम फर्म बोलते हैं। लेकिन आपने कई दफा सुना होगा कि मेरा भाई इस फर्म में काम करता है, डेरी मिलक की इस फर्म में काम करता है, ठीक है। तो इस फर्म का मतलब ये भी होता है कंपनी, ठीक है, फर्म का मतलब ये भी होता है कंपनी। ओके, सिनोनिम ऑफ क्रेजी, क्रेजी किसे कहते हैं? पागल को, पागल, मेंटल। तो सिनोनिम क्या होगा? मैड, पागल, मेंटल या मैड, ये भी पागल में आएगा। ओके, सिनोनिम ऑफ कर्ब, कर्ब का सिनोनिम क्या होगा? रिस्ट्रिक्शन, ठीक है, कर्ब, कर्ब वैसे उसको बोलते हैं जो आप बाड़ नहीं लगाते, मसलन आपने अगर लहसुन वगैरह, देहातों में ज़्यादातर ये होता है, या शहरों में जो कोई बाहर गार्डन बनाता है अपने घर के सामने, तो वो एक वो जो होती है लोहे की तार सी होती है, ठीक है, जो रोकने के लिए जानवरों वगैरह को लगाई जाती है या इंसान इसके अंदर ना जाए, ठीक है, तो उसको हम कर्ब बोलते हैं। और वो किस लिए होती है? रुकावट के लिए। तो इसे रिस्ट्रिक्शन, इसका सिनोनिम हो जाएगा। ओके, सिनोनिम ऑफ एक्टर इज, अभी एक्टर कौन है? मूवीज देखते होंगे, सलमान खान, ऋतिक रोशन, शाहरुख खान, सैफ अली खान, टाइगर श्रॉफ हैं। तो सिनोनिम हमने बनाना है एक्टर का, टाइगर श्रॉफ का नहीं बनाना, ठीक है। तो एक्टर क्या मतलब होता है? जो एक्टिंग करता है, जो किसी चीज को प्ले करता है, जो किसी चीज का रोल अदा करता है। तो एक्टर, परफॉर्मर, जो किसी चीज को परफॉर्मर कर रहा है, ठीक है, एक्शन, परफॉर्म, तो ऐसे ही एक्टर, परफॉर्मर। समझ आ रही? सिंपल जबान में समझा रहा हूं। सिनोनिम ऑफ डिलाइट, कोई नहीं आपको ऐसे समझाएगा जैसे मैं समझाता हूं, ठीक है, क्यों नहीं समझाएगा? बिकॉज उनके पास ना तो टाइम होगा आपके लिए और ना ही मुझे पता है इतना नॉलेज क्या आपको ये समझा सके कि डिलाइट का मतलब क्या है, आपने इसे कैसे। मैं जानता हूँ आप सारे मैट्रिक लेवल के हैं, अगर FSC के हो, BSc के हो, तो उनको इनके मतलब पता होते हैं, लेकिन आप में से 10% को डिलाइट का मतलब पता होगा, ज़्यादातर को पता ही नहीं होगा। तो इसीलिए मैं आपको सादा जुबान में समझाता हूँ। एक लड़के ने मुझे बोला कि आप सादा जुबान इस्तेमाल करते हैं और ज़्यादा टाइम ले लेते हैं, लेकिन भाई मैं सिर्फ एक लड़के के लिए तेज़ नहीं बोल सकता, एक लड़के के लिए मैं अपनी स्पीड या अपना समझाना बंद नहीं कर सकता, क्योंकि मैंने आपको गाइड करना, अगर मैंने ये नाम अपने सर पे लिया कि मैं आपका मेंटोर हूँ, तो मैं मेंटोर बन के आपको गाइड करूँगा और आपको पूरा समझा दूँगा। ओके, जो चीज़ समझाने वाली है मैं समझाता हूँ, जो चीज़ नहीं समझाने वाली मैं जल्दी जल्दी बोल देता हूँ। तो डिलाइट का मतलब क्या है? खुशी, मुसर्रत। तो इसी तरह हैप्पी या प्लेयर, ये भी इसी का सिनोनिम है, यदि इसका सेम मीनिंग है। ओके, सिनोनिम ऑफ कर्ली, तो आपने देखा होगा कि कर्ली हेयर, कर्ली हेयर किसे बोलते हैं? घुंघरियाले बाल, ठीक है, घुंघरियाले, ज़्यादातर जो छोटी बच्चियाँ होती हैं उनके घुंघरियाले बाल होते हैं, तो उनको कर्ली हेयर बेबीज बोलते हैं। तो सिनोनिम ऑफ कर्ली इज़, घुंघरियाले का दूसरा नाम है वेवी, ठीक है, वेवी, वेव आपने देखी होगी, पानी की वेव्स देखी होंगी, उतार चढ़ाव होता है, इसी तरह बालों में भी कर्ल बनी होती है। ओके, सिनोनिम ऑफ डिफेंस इज, डिफेंस का सिनोनिम क्या है? तो डिफेंस किसे कहते हैं? एक होता है अटैक, हमला करना,
एक होता है डिफेंस, अपना दफा करना, ठीक है। जब आप पाक आर्मी में जा रहे हैं ना, तो अगर आप इंडिया पे हमला कर रहे हैं तो इसे हम कहेंगे हम अटैक कर रहे हैं, अगर इंडिया आप पे हमला कर रहा है तो हम इसे कहेंगे हम डिफेंस कर रहे हैं, ठीक है। तो फिर हम डिफेंस कर रहे हैं, दफा कर रहे हैं अपने मुल्क का। ये जो पाकिस्तानी फौजी अंदर खड़े हैं अपने बॉर्डर्स पे, ये दफा करने के लिए हैं। ये जो पंजाब पुलिस है, ये दहशतगर्दी के खिलाफ दफा कर रही है। तो ऐसी चीज़ें, डिफेंस, दफा, अटैक, हमला, आपने दोनों को सेम मीनिंग में नहीं लेना। तो इसका जो मतलब है वो प्रोटेक्शन है, हिफाजत, ठीक है, प्रोटेक्शन, हिफाजत। ओके, सिनोनिम ऑफ डिपार्चर, डिपार्चर का मतलब होता है अलग होना या चले जाना, ठीक है। डिपार्चर अलग होना, बिछड़ जाना, चले जाना। तो इसका जो सिनोनिम होता है वो होता है लीव, छोड़ जाना, अलहदगी इख्तियार कर लेना, ठीक है। सिनोनिम ऑफ एग्जिस्ट, एग्जिस्ट का मतलब होता है कि अवेल, मौजूद होना, पाया जाना, ठीक है, मौजूद होना, पाया जाना। यानी कि आप अपने घर में हैं, आप एग्जिस्ट करते हैं अपने घर में, तो सिनोनिम क्या होगा इसका, लिव, रहना, ठीक है, मौजूद होना, अवेल। सिनोनिम ऑफ अगेंस्ट, अगेंस्ट का मतलब होता है मुखालिफ, ठीक है, मुखालिफ, दुश्मन भी हम इसे बोलते हैं, लेकिन अगेंस्ट, मुखालिफ। सिनोनिम अपोज टू, किसी चीज के मुखालिफ होना, अपोज टू, अपोज का मतलब भी होता है मुखालिफ। सिनोनिम ऑफ डिप्रेस, डिप्रेस का क्या मतलब होता है, मैं बड़ा परेशान हूँ, मैं बड़ा डिप्रेस हूँ आजकल, मीन्स के मैं आजकल, मेरे पे बड़ा प्रेशर है, ठीक है। इसका जो सिनोनिम होगा वो है सैडन, मैं आजकल बड़ा सैड हूँ, ओके ओके। सिनोनिम ऑफ एक्वायर, एक्वायर का मतलब होता है हासिल करना, किसी चीज़ को पाना। तो इसी का जो सेम मीनिंग है वो अटेन भी हो सकता है, ऑब्टेन भी हो सकता है, गेट, ओके, गेट, ऑब्टेन, अटेन, ये सारे आ सकते हैं। सिनोनिम ऑफ अब्सॉर्ब, अब्सॉर्ब का मतलब होता है जज़्ब करना, अपने अंदर ले लेना, ठीक है, अपने अंदर जज़्ब कर लेना, सोक। तो इसका जो आंसर ये है, सिनोनिम है वो सोक अप है, और ये बहुत मर्तबा रिपीट हो चुका है, ओके। सिनोनिम ऑफ एक्सट्रीम, ओहो, एक्सट्रीम, आई एम एन एक्सट्रीम नॉलेजेबल मैन, मैं एक बहुत ही ज्यादा नॉलेज वाला बंदा हूं। एक्सट्रीम हॉट, बहुत ही ज्यादा गर्म, एक्सट्रीमली कोल्ड, बहुत ही ज्यादा ठंडी। यानी कि एक्सट्रीम वर्ड उस लिए यूज होता है जो बहुत ही ज्यादा, ठीक है, बहुत ही ज्यादा या बहुत ही कम, जैसे एक्सट्रीम ह्यूज, यानी कि बहुत ज्यादा बड़ा, एक्सट्रीम टाइनी, बहुत ही ज्यादा छोटा। तो एक्सट्रीम का मतलब होता है बहुत, या अपर को भी जा सकता है, लोअर को भी जा सकता है। अभी एक्सट्रीम, बहुत, तो ग्रेटेस्ट, बिगेस्ट, ह्यूजेस्ट, इनॉर्मस, ये इसके सारे सिनोनिम्स हैं। मैं जो ऐसे भी मुंह से भी सिनोनिम बोलता हूँ ना, वो आपने अपनी कॉपी पेंसिल पे लिख लेने हैं, बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। सिनोनिम ऑफ एक्सप्लोड, अच्छा, हमने बड़ा वर्ड सुना हुआ है, एक्सप्लोजन, एक्सप्लोजन, धमाका, इसका मतलब होता है धमाका। तो सिनोनिम क्या होगा इसका, बस्ट। अभी बस्ट क्या है, आपने देखा है टायर बर्स्ट इन समर सीजन, के गर्मियों में टायर जो है वो फट जाते हैं। तो एक्सप्लोड का मतलब होता है धमाका, बस्ट का मतलब होता है फटना, तो दोनों तकरीबन सेम सेम है, ओके। सिनोनिम ऑफ ब्राइट, ब्राइट का मतलब क्या होता है, रोशन। वो आपने ब्राइट सिर्फ नहीं देखा, वो तो चलो ब्राइट और है ना, लेकिन मतलब उन्होंने भी बस यही रखा हुआ है, ब्राइट का मतलब होता है रोशन, चमकदार। तो इसका सिनोनिम जो होगा वो होगा शाइनिंग, ठीक है, शाइन, शाइनिंग स्टार्स, चमकने वाले सितारे। सिनोनिम ऑफ ड्यूटी, जी हाँ, ड्यूटी, कौन सी ड्यूटी, जो भी आपने एयरफोर्स में जाना है तो उधर जाके आपने क्या करना है, ड्यूटी करनी है। ड्यूटी का मतलब क्या होता है, जिम्मेदारी, मजबूरी नहीं होता ड्यूटी का मतलब, ड्यूटी का मतलब होता है जिम्मेदारी, क्या आपके ऊपर जिम्मेदारी आ जाती है। आप में कोई एरोटेक बनेगा, यानी कि टेक्नीशियन बनेगा जहाज के किसी पुर्जे का, और उस पर उस जहाज के पुर्जे की जिम्मेदारी है।
अगर वो जिम्मेदारी के साथ उस काम को करेगा तो फिर ही सेट होगा, लेकिन अगर उसने जिम्मेदारी ना दिखाई और जहाज का वो पुर्जा गलत डाल दिया, ठीक है, अगर एक नट लगाना था, नट लगना था 15 का, उसने लगा दिया 13 का, जब जहाज उड़ा, जहाज उड़ गया, नट जो जिधर 15 का लगना था उधर 13 का लगा हुआ था, वो ढीला हो गया, नट गिर गया, जहाज क्रैश हो गया। सिर्फ इतनी सी गलती की वजह से, एक पूरी रिसर्च अमेरिका में बनी हुई है, एक सेटेलाइट गया था स्पेस में, लेकिन एक बोल्ट था, वो 4 नंबर का शायद लगाना था, लेकिन लगा 3 नंबर का दिया हुआ था, और वो बोल्ट ऊपर जाते जाते गिर गया और वो पूरे का पूरा जहाज क्रैश हो गया, जिसमें 15 पायलट बैठे हुए थे आई थिंक, ठीक है, और 300 से ऊपर बंदे जो है ना वो मर गए थे उस जहाज में। तो ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, जिम्मेदारी होती है, बात लंबी हो गई है जरा थोड़ी, तो ड्यूटी की जो सिनोनिम है वो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, जिम्मेदारी होती है, ठीक है, ओके। सिनोनिम ऑफ कमेटी, कमेटी क्या होती है, अभी एक होती है, ये नहीं समझना कि कमेटी हमने जो डाली हुई है, गांव वाले लोग होते हैं ना वो रोजाना 100-100 रुपए डालते हैं कमेटी, तो फिर उनको महीने बाद या साल बाद इकट्ठे पैसे मिलते हैं और वो उसे भी कमेटी बोलते हैं, हालांकि कमेटी का मतलब होते हैं जो मजमुआ होता है ना, जो सारे के सारे लोग होते हैं उन सारों ने जमा किए हुए जो पैसे हैं, ठीक है, तो कमेटी का जो असल मतलब है वो है बोर्ड, ठीक है, बोर्ड, जैसे इंटर सर्विसेज सिलेक्शन बोर्ड, कुछ लोग आईएसएस भी दे के आए होंगे लेकिन वो नॉट रिकमेंड हुए, दिल कट्टा हुआ और उसके बाद वो एयरमैन का टेस्ट देने लगे, उनको पता होगा आईएसएस भी क्या होती है, इंटर सर्विसेज सिलेक्शन बोर्ड, या कुछ लोग ऐसे होंगे जो कह रहे होंगे कि मैंने एयरमैन में टेस्ट देना, ट्रेनिंग के बाद मैं फिर अप्लाई करूंगा आईएसएस भी, मैं यार ऑफिसर बन जाऊंगा, तो आईएसएसबी का मतलब होता है इंटर सर्विसेज सिलेक्शन बोर्ड, मसलन कि आईएसएसबी एक कमेटी का नाम है, तो इसी तरह कमेटी बोर्ड को बोलते हैं, ओके। सिनोनिम ऑफ एस्टीमेट, एस्टीमेट का मतलब होता है अंदाजा लगाना, ठीक है, एस्टीमेट, तो इसका जो सिनोनिम होगा वो होगा रफ कैलकुलेशन, जो हमें अंदाजा लगा दिया जाए, जी मिस्त्री से पूछा कितनी ईंटें लगेंगी, उन्होंने बोला जी 5,000 ईंटें लगेंगी, लेकिन लगी 8,000, तो वो क्या था, वो रफ कैलकुलेशन थी, रफ एस्टीमेट था, ओके। सिनोनिम ऑफ एकेडेमिक, एकेडेमिक का जो सिनोनिम है वो क्या है, वो है एजुकेशनल, ठीक है, एकेडेमिक, अभी ये जो आप पढ़ रहे हैं एयरमैन के लिए इंग्लिश का, ये एकेडमिक टेस्ट है, ठीक है, एकेडमिक टेस्ट है आपका, तो ये एजुकेशनल टेस्ट है, ओके। सिनोनिम ऑफ अवेलेबल, अवेलेबल का मतलब होता है मौजूद होना, तो इसका जो सिनोनिम होगा वो एग्जिस्ट भी हो सकता है, एक्सेसिबल में इधर ई आना था, ठीक है, गलती से नहीं डाला गया, तो एक्सेसिबल भी हो सकता है, ओके। सिनोनिम ऑफ एवरेज, अभी मैं जल्दी कर रहा हूँ ताकि वीडियो लंबी ना हो जाए, फिर आप दरमियान में छोड़ के चले जाते हैं, आपका नुकसान हो जाएगा। सिनोनिम ऑफ एवरेज, एवरेज का मतलब क्या होता है, एवरेज का मतलब होता है मीडियन, ठीक है, मीडियन, यानी कि मीडियम, मीडियन कहते हैं दरमियान वाली चीज को, तो एवरेज भी औसत निकालते हैं, तो मीडियन हम इसे बोलते हैं, ओके। सिनोनिम ऑफ एग्जिस्ट, एग्जिस्ट का सिनोनिम क्या है, लिव, ये पहले हो चुका आई थिंक। सिनोनिम ऑफ डिमांड, डिमांड का क्या मतलब होता है, शरायत, तो मैं मसलन एक छोटा बच्चा है, आप अली नाम है आप में से किसी का, तो उसने अबू से बोला अबू जी मुझे साइकिल लेके दो, तो क्या किया, ये अबू जी से रिक्वेस्ट हुई है, ठीक है, रिक्वेस्ट ही कर सकते हैं माड़े बंदे, तो अली ने अपने अबू से बोला जी अबू जी साइकिल लेके दो, और अबू ने बोला बेटा पहले 10वीं पास करो उसके बाद साइकिल लेके दूंगा, ठीक है, तो ऐसे क्या हो गया, ये एक रिक्वेस्ट हो गई, डिमांड हो गई। सिनोनिम ऑफ पेशेंस, पेशेंस का क्या मतलब होता है, सबर, ठीक है ना, सबर, सबर कर बेटा, पेशेंस रख, तो इसका जो सिनोनिम है वो है टॉलरेंस, बर्दाश्त करना, सबर करना, ओके। बियर, सिनोनिम ऑफ अपील इज, अपील का सिनोनिम क्या है, अपील का सिनोनिम है री एग्जाम, ठीक है, अपील करना, मसलन के आपके नंबर मैट्रिक में कम आए और आपने अपील कर दी कि नहीं सी मेरे नंबर कम है मैंने रीचेक करना है, तो आपका री एग्जाम हो गया, तो इसे हम बोलते हैं, सॉरी एग्जाम का ई आना था, ठीक है, मैंने ए डाल दिया हुआ है, तो सिनोनिम ऑफ अपील इज री एग्जाम। सिनोनिम ऑफ कंट्रास्ट इज, कंट्रास्ट का सिनोनिम क्या होगा, तो कंट्रास्ट का जो सिनोनिम होगा वो होगा डिफरेंट, के एक दूसरे से जो डिफरेंट है उसे हम कंट्रास्ट बोलते हैं, जैसे व्हाइट और ब्लैक आपस में कंट्रास्ट है, ठीक है। तो लास्ट बट नॉट द लीस्ट, दुरूद पाक, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मुहम्मदिन नबिय्युल उम्मी व अला आलिही व सल्लम तस्लीमा।
तो कैंडिडेट्स ये थी हमारी आज की वीडियो जिसमें हमने सिनम्स के पार्ट वन MCQs देखे। आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। ओके तो चलते हैं फिर मिलेंगे इंशाल्लाह अपने अगली वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम।